खुद आकर इनकार कर दिया आरिफ ने। पागल है यार वो, खुद आने की क्या जरूरत थी सामने? अंकल आंटी से कह दिया होता वो मना कर देते। हो सकता है उन्हें कहा हो और वो ना माने हो। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने मेरी बात का इतना सीरियस एक्शन लिया है। अगर वो सीरियस ना लेता तो मैं उसे जान से मार देता। बेस्ट फ्रेंड है मेरा यार, उसे जेब नहीं देता यूं हमारे बीच में आ जाए। खैर उसने मुझे बताया था कि ये सब कुछ अंकल आंटी चाहते थे, उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। पता नहीं अब क्या होगा। अम्मी भी मामू और मुमानी पर इतना गुस्सा हो रही थी ना। कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हुआ करो। और आज पापा अमर भाई से जाकर बात करेंगे, ये मामला वैसे ही दब जाएगा। तुम चचा से कहो ना कि अब ज्यादा देर मत करें प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, डोंट वरी। ओके चलो अब मुझे बताओ ना, खाने में क्या खाओगे? मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे बस टेंशन हो रही है कि तुम्हें तो जरूरी असाइनमेंट सबमिट करवाना था ना। यही कह के निकली थी ना तुम घर से, तो फिर यहां। वो तो जमा करवा दी थी, वो मुझे भूख लग रही थी तो जासिम मुझे यहाँ ले आया। आरिफ से इनकार की वजह तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई और तुम्हें इस तरह यहाँ देख लेता तो तुम्हें अंदाजा भी है कि कैसी कैसी वजूहात सामने आती हैं और क्या क्या बातें बनाई जाती हैं। भाभी अभी वो एक्चुअली मैं ही इसे लाया था, और मैं भी तो इसी फैमिली से हूँ, फर्स्ट कजन हूँ इसका। अगर आपको बुरा लग रहा हो तो आई एम सॉरी। अच्छा, अगर तुम इतना ही अपने आप को फर्स्ट कजन और फैमिली मेंबर कहते हो ना, तो कजन सबके सामने मिलते हैं, इस तरह छुप छुप के रेस्टोरेंट में नहीं। शरीफ फैमिलियों में लड़का लड़की का इस तरह खुलेआम मिलना मायूब समझा जाता है। मैं घर जा रही हूं, चलो मेरे साथ। मैंने कहा मैं जा रही हूं, चलो जी।